करो, एक दिन जेल चलेगा जाकर, नहीं देखो समाज पूरा टूट पड़ेगा, पूरा भारत तुम्हारी सत्ता होगी, प्रधानमंत्री बन जाओगी, ये गारंटी है। यानी देखो वो कह रहे हैं अगर मायावती जी जिस वो जेल क्यों जाए, लेकिन ये समाज एक दिन में प्रधानमंत्री बना देगा उन्हें, लेकिन वो जेल क्यों जाए। जयललिता जेल गई थी, इसलिए 2000 उठकर मुख्यमंत्री बनी, बनी ना बनी तो डरना क्या, जब राजनीति करना जेल जाओ। आप नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो यह छोटी सी क्लिप को जरूर देखो और समझने की कोशिश करो कि पूरा माजरो चल क्या हुआ। अब यह एक छोटी सी क्लिप में एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, वो अपना सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ पे कछु लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछो है, शायद बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में पूछो है, तो वो जवाब में कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को जमीन पर उतरना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, और अगर जेल जाएंगी तो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और ऐसे बैठने थे क्या है, और जन क्या गलत बात, दुनिया भर की बातें उन्होंने अपनी कही। तो सबसे पहले मैं उनको एक बात बतानी चाहूँ कि सबसे पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उनकी कभी ऐसी नीति नहीं रही कि वो याद रहेगी राजनीति में, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करें, वो एक अलग तरीके की अपनी राजनीति हमेशा से करती आई हैं और कर रही हैं कि जो है सड़क पर हंगामा करना, ड्रामा करना, तोड़फोड़ करनी और ड्रामेबाजी करनी, बातें को बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो कभी भी ऐसी चीज़ों में कभी भी शामिल ना रही, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, बाकी आप सबको भी जानकारी होगी, जो उम्रदराज लोग हैं वो उनमें भी जानकारी होगी। और रही बात कि ये सोच कि भाई जेल चली जाए, फलानी चली जाए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, मतलब यह बात को तो कोई सिर पैर दूर दूर तक है ही ना। क्यों भाई, एक बार बताओ, आजकल तो कछु बोलने पे ही, कछु अगर आपने बोल दियो तो भी आपकी सदस्यता खत्म है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हैगी, और जब सदस्यता खत्म है गई और अगर जेल जाओगे तो कोई ना कोई जुर्म में ही तो जेल जाओगे, ऐसे थोड़ी चले जाओगे। तो सबसे पहली बात तो बसपा सुप्रीमो ने ना तो ऐसा कभी सोचो ना कभी करो, और अब करने को तो कोई सवाल ही नहीं है काई भी कीमत पे, कि कोई ऐसा कोई जुर्म करें, कोई ऐसा कछु बोले, उल्टो सीधो बोले, उनकी तो भाषा शैली भी जो आप ट्वीट सुनते होगे या देखते होगे, वो भाषा शैली भी इतनी सभ्यता के दायरे में कि कई बार तो जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी अच्छी ना लगे कि बहुत सॉफ्ट बोल रही हैं, सॉफ्ट बोल रही हैं ऐसा लगे, लेकिन वो सभ्यता के दायरे में ट्वीट लिखे हैं अपनी, अपना भाषण भी देंगी तो वो भी एक सभ्यता के दायरे में, बिल्कुल कोई फालतू को बयानबाजी में, मतलब कि जिनके कोई मतलब औचित्य नहीं है जिन बातन को, उन बातन में वो बिल्कुल ना करें, एक कायदे की बात करें हैं बिल्कुल। तो इन लोगों को भी कहना कि जी सड़क पे आओ, सड़क पे हंगामा करो और जेल जाओ, और जेल जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो ये तो मतलब वाहियाती बात है एक तरीका से। आप बताओ लालू जी जेल चले गए, अब लालू जी इलेक्शन ही ना लड़ सके, हैं जेल चले गए, सजा है गई, जेल चले गए तो अब कोई इलेक्शन ही ना लड़ सके, आपको प्रधानमंत्री बन सके क्या, हैं कोई प्रधानमंत्री बना देगो, बताओ कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री, हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश जैसी राज्य की चार चार बार मुख्यमंत्री रही है, तो कोई ऐसे तो है ना कि जी वैसे ही हवा में रहेगी, बताओ भाई कोई हवा में रहेगी। अच्छा, और कि बिगड़ सिर पैर की बात है ये जो बात करी जा रही है, बिगड़ सिर पैर की बात है कि जी जेल चले जाओ, फलाने चले जाओ, जेल में चले जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये है जाओ वो है जाओ, हैं। और अगर ऐसे हैने ते ही बनो, ऐसे हंगामे करने ते ही बनो, तो कछु लोग जो सड़क पर हंगामा करने कर रहे हैं वो क्या बन गए, बताओ कछु बन गए, आप समझ रहे होगे मैं अपने मुंह से कहनो ना चाह रहा हूं, क्या बन गए, कछु ना बने, अभी तो लेना ना देना अभी तो कछु ना है, आने वाले समय में क्या होगा वो तो कहिए नहीं मालूम, कहिए ना बतो, लेकिन वो क्या है गे? कछु है गे? कछु ना हुए। अच्छा, उधर आवेंगे वो देख लो भाई, अखिलेश यादव को देख लो, अखिलेश यादव पहले ही इलेक्शन से पहले ही मुख्यमंत्री बन चुके,
मतलब बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा हो कि बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है, जग जाहिर है सारी बात आपके सामने। खूब सपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो रोज अपनों पुतला फूंक रहे, कभी काय को पुतला फूंक रहे हैं, कभी काय को फूंक रहे हैं, और ये बात कह देनी कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा कर लो, जेल में चले जाओ, मुकदमा लड़ लो, डरो मत, ये मत करो, तो ये सब बेकार की बात है। क्यों कि ना तो वो बसपा सुप्रीमो डर रही काय थे हैं, और ना ही वो सड़क पे आ गए ऐसो जैसे नई उम्र के जो बालक कर रहे हैं ऐसे करेंगी। क्यों कि वो परिपूर्ण नेता हैं, पुरानी नेता हैं, चार बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, सब ऊंच नीच को जाने हैं, सभ्य हैं और मानवता उनके अंदर है। और ये जो बातें जो सुनने में आ रही हैं, ये जो कह रहे हैं, इनके बारे में क्या कह सको इन्हें? आप ये भी कैसे कह सको कि जी ये समर्थक हैं, भाई ये बसपा के समर्थक हैं या इनके शुभ चिंतक हैं? ये भी तो है सके कि ये विरोधी पार्टी के लोग हैं। विरोधी पार्टी के लोग तो कछु ना कछु यही तरीके के सवाल उठावेंगे जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो हैं, क्योंकि उन्हें तो आग लगेगी तो हाथ सेकने, ऐसे भी है सके। तो ये बात हमारी तो समझ में नहीं आई जो इन्होंने कही है। तो हमने के वीडियो देखी, बहुत वीडियो चल रही, तो हमने कहा भाई यहाँ पर कछु ना कछु बोलना जरूरी है, बोलना चाहिए हैं। अब आप देखो जैसे यह टाइम ओम प्रकाश राजभर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई बसपा सुप्रीमो को संयुक्त उम्मीदवार बनाना चाहिए हैं, जितने विपक्षी दल हैं उन्हें सब इकट्ठे होना चाहिए, सब नेता को और बसपा सुप्रीमो को विपक्षी दल को प्रधानमंत्री को कैंडिडेट बनाना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री हमारी गिरफ्त में बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी। तो वो कह रहे हैं, लेकिन उनको भी हम तो कह रहे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा विश्वास पात्र नहीं है, उनकी भी कोई मालूम ना, सवेरे कह चुके हैं शाम को कह चुके हैं। अब वो एक हवा हवा में बात कहने की और एक अंतरात्मा से बात कहने की। अब जब कोई ऐसी बात आएगी, लोग इकट्ठे होंगे, कोई है सके को होने को तो राजनीति में सब कुछ है सके, सब कुछ संभव है, बताओ क्या ना है सके, सब कुछ है सके राजनीति में। आज तक को इतिहास उठा के देख लो राजनीति में वो सब कुछ है सके जो आप सोच ना सको। जब आप ये सोचोगे भाई ये तो बिल्कुल धुर विरोधी है, धुर विरोधी भी एक है जहां है, हमने देखी है पहले, धुर विरोधी भी एक होते देखे। तो ठीक है आज हमें लग रही है, कल को है सके को कोई ऐसा हिसाब किताब, हालांकि बसपा सुप्रीमो पहले कह चुकी है कि वो अकेले दम पे अपने दम पे पार्टी चुनाव लड़ेगी 2024 को, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, जल्दबाजी होगी बहुत ही ये बात कहनी। कोई ऐसा तो है ना कि पत्थर की लकीर है ऐसे ही होना, है सके कल को कोई विचार बदल जा, कोई विचार अलग बन जा, कोई गठबंधन बन जा, काय भी गठबंधन है सके संयुक्त उम्मीदवार बना दें बसपा सुप्रीमो को। तो आने वाले समय में बहुत ही आने वाला समय बहुत अहम है और आने वाले समय में बहुत चीजें बहुत क्लियर होंगी। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग कि जी एक बार जेल चले जाए, एक बार फलाना है जाए, एक बार ढिकाना है जाए, तो की बात सोचनी चाहिए कहने से पहले हैं। जेल जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, पर जेल कह लिया जेल है, जेल में कोई सभ्य लोग थोड़ी जाए। ठीक है कभी कभी गलती से चले जाए लोग, लेकिन जेल तो जेल ही है भाई, जेल कोई इतनी बढ़िया चीज थोड़ी है कि जेल जानो कोई बहुत ज्यादा सौभाग्य सौभाग्य को खेल है, वो सौभाग्यशाली है जो जेल जा है। एक शराब की बोतल गंगे को लेके चले जाओ तो पुलिस वाले जेल भेज देंगे, कानून तोड़ दो तो जेल चले जाओगे, जेल तो कैसे भी चले जाओ, लेकिन जेल को तो नाम ही बोलो काहे को जाओ जेल, और बहुत अच्छे अच्छे काम है, उन अच्छे काम ने करो, पब्लिक की लड़ाई लड़ो, कछु बनो या ना बनो लेकिन अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाते रहो, समाज की बात को उठाते रहो, वो भी अपने आप में एक बड़े नेता को काम है और वो जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए और वो जिम्मेदारी को निभा भी रहे। तो आप यह बात को कैसे ले रहे हो कमेंट के माध्यम से, या बात में जरूर कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा हमें भी ज्ञान बढ़ाएगा, हमें भी जानकारी होगी। और नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी आपके रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।